नमस्कार दोस्तों, एवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आज का सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है। सुखराम मुर्मू जी का सवाल है कि अगर मैं माइक को बॉक्स के सामने ले जाने पर हमिंग कंट्रोल का कुछ उपाय बताइए। भाई एक एक चीज़ है, बहुत सारा उपाय मैं बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और सुनिए इस वीडियो को, मोस्टली आप सुनिए और देखिए। इसमें आपका जो चीज़ है ना, आप बोल सकते हो कि अगर बकरी को शेर के सामने ले जाओ तो जो होगा, अगर माइक्रोफोन को आप स्पीकर के सामने ले जाओगे तो वही हालत होगा। फीडबैक का प्रॉब्लम आएगा, सीटी बजेगा पूरी। आप देख सकते हैं स्पीकर में कैसे सीटी बजता है। माइक्रोफोन स्पीकर का माइक्रोफोन फिर घुसेगा, मिक्सर में जाएगा, फिर एम्पलीफायर में जाएगा, फिर स्पीकर में बजेगा, ऐसे घूमता रहेगा। इसी को फीडबैक प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसकी वजह से बार बार होते हुए साउंड हमिंग हो जाती है, सिटी बज जाती है। तो चलिए कंट्रोल की बात करते हैं, कैसे करेंगे कंट्रोल। साफ डायर तो सामने नहीं जाना है। कंट्रोल क्या करना है कि पहली जो कंट्रोल है कि आपकी माइक्रोफोन की जहाँ से साउंड आ रहा है, मतलब आप जब गाना गा रहे हैं तो आपकी मुंह की नज़दीक रखें माइक्रोफोन, जितनी नज़दीक हो सके। इधर इधर मत करिए, सामने इधर उधर ऐसे माइक्रोफोन को सटा के रखिए। आपकी भोक मतलब मुंह के सामने ही रखे, ज़्यादा नीचे ना रखे या ऊपर ना रखे, ताकि ये खींचेगा नहीं साउंड। ये चाहे आप साउंड सिस्टम की पास ही बैठे हो या आपकी फ्रंट में हो, बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो पकड़ के रखिए, पूरा जम के रखिए आपकी माउथ के सामने। दूसरा है डायरेक्शनल माइक्रोफोन यूज करें। इसका मतलब है जैसे SM58 कार्डियोडिक माइक्रोफोन, जिसमें आपको एक ही जहाँ से आपका आवाज़ जाएगा वहाँ से बस खींचेगा, साइड से नहीं खींचेगा, पीछे से नहीं खींचेगा। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी जो तीसरी जो चीज़ है कि आप स्टेज पे जितना माइक्रोफोन काम का नहीं है उसको बंद कर दें, जितना भी वो सबको बंद कर दिए जो यूज पे नहीं है, या जितना कम से कम माइक्रोफोन आप रखिए स्टेज पे, ओपन माइक्रोफोन। डायरेक्ट जैसे आप कीबोर्ड लगाते हो, वो लगाते हो, पैड लगाते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। अगर तबले के लिए अगर 5 माइक्रोफोन लगा लिया तो प्रॉब्लम है, जितना कम होगा उतना अच्छा है माइक्रोफोन। अब बूस्ट ज़्यादा ना करें, जो टोन का कंट्रोल के लिए जो मास्टर है उसको ज़्यादा बूस्ट ना करें, तब भी प्रॉब्लम आता है। बूस्टिंग हमेशा 6 पे, जैसे हमने बताया कि 5 या 6 पे रखिए आपकी एम्पलीफायर को, ज़्यादा बूस्ट ना करें। और माइक्रोफोन लाउड स्पीकर में ज़्यादा जितना हो सके अंतर आप रखिए, जितना अंतर रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा आउटपुट। आप वरना आपको स्पीकर की आउटपुट थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम कर दी ज़्यादा। अगर आपकी सीटी बज रही थोड़ा थोड़ा स्पीकर की साउंड मास्टर कम कर दीजिए, डिस्टेंस पर रखें आपकी लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप जो सुनने वाले उसके सामने लाउड स्पीकर रखिए, अपने आप आपके पास ज़्यादा बस मॉनिटर के लिए रखिए, ज़्यादा स्पीकर आप लिसनर को के साथ जो साउंड सुनने वाले उनको पास भेज दीजिए। अगर हो सके तो आप ईयर मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करें, फ्लोर मॉनिटरिंग की सिस्टम को छोड़ के, अगर हो सकता है तो, नहीं जो जनरली नहीं होता। एक्वेस्टिक ट्रीटमेंट अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपकी जो अगर हो पाएगा जो रूम है या जो एरिया पे आप बैठे हैं, अगर हो पाएगा तो आप उसको रखिए, या ग्लास मार्बल फार्बल वुड है तो उसको वहाँ से थोड़ा हटाइए और दूर रखिए थोड़ा आपकी सिस्टम को। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी जो फीडबैक की प्रॉब्लम है वो ज़रूर चले जाएगा, वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये सारा चीज़ करिए, ये वीडियो को बार बार देखिए, दोस्तों में शेयर करें, आपकी हमिंग कंट्रोल हो जाएगी। और आर्थिंग, अगर आपकी आर्थ लगी हुई है, वो थोड़ा ग्राउंड लूप का प्रॉब्लम है, तो आप आर्थ लिफ्ट कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी ग्राउंड हमिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमिंग हो रहा है तो। और बहुत बड़ी चीज़ है कि एम्पलीफायर वाटेज स्पीकर वाटेज अप्रोक्सीमेटली सेम रखिए, तब जाके आपका भी हमिंग कंट्रोल होगा। 250 वाट में अगर आप एम्पलीफायर में अगर आप 400 वाट 600 वाट का लोड लगा रहे हो, तब आप ज़्यादा मास्टर देंगे और हमिंग होगा। अच्छा माइक्रोफोन यूज करें, डायरेक्शनल वाला SM58 ऐसे इस टाइप का कोई आहुजा प्रो 2280 ऐसे माइक्रोफोन से यूज करें, जो कि अच्छा क्वालिटी का होगा और डायरेक्शनल होगा। और एम्पलीफायर मिक्सर अच्छी क्वालिटी का यूज करें, तब आपको हमिंग कंट्रोल बहुत मात्रा में हो सकता है। फिर भी नहीं होता है तो फीडबैक डस्टर यूज करें। माइक्रोफोन के लिए आप माइक्रोफोन कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। माइक्रोफोन कंप्रेसर यूज कर दीजिए, MC110 जो आहुजा का आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, फीडबैक डस्टर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।